नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर गांव-गांव जाकर ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी होगी सरकार। क्या 10 साल बीजेपी के जो रहे उसमें काम वाम हुए या नहीं हुए, खास करके ग्रामीण अंचल पर किस तरीके से सरकार ने काम किए हैं, ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं और गांव में खास करके, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नुक्कड़ पर और पीपल के नीचे छप्पर जिसको बोलते हैं आम भाषा में, और बस स्टैंड वगैरह पे लोग इकट्ठे मिलते हैं और वो बातचीत ही है, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है तो राजनीतिक बातें तो आमतौर पर होती रहती है। क्या नाम है जी आपका? बदरी राम। मुझे ये बताइए कि ये जो 10 साल सरकार के रहे, इसमें कैसा काम हुआ? काम जी क्या हुआ, डूल डाल डबे बंद हो गया। बंद हो गया, मनरेगा वाला काम भी बंद हो गया। चालू को बंद ही रहे, कोई काम नहीं हुए। महंगाई परेशान करती है आप लोगों को? जरूरी करे, परेशान करे। बजट के मिलने को सारो चीज है, गरीब लिहाज बहुत महंगी मिले। युवाओं को, गांव में पढ़े लिखे जो युवा है उनको काम वाम मिल रहा है, सरकारी नौकरी वगैरह कौन मिले? नहीं है। तो अब जब चुनाव आ गए हैं तो इसमें क्या लग रहा है इस बार आपको? देखो भी इस बार अब है भाई कांग्रेस की उन लोग दोनों की टक्कर है, बराबर चल रहा है। अब देखो किसो काट जी। डवाली की बात करें तो डवाली में इस बार एक तरफ आदित्य चौटाला, एक तरफ अमित शाह और एक तरफ दिग्विजय चौटाला, तीन तो एक ही परिवार के हो गए। आम आदमी पार्टी से कुलदीप गदराणा है, बीजेपी से बलदेव मांगियाना है, इनमें क्या लगता है आपको? बस दो ही पार्टी है ऐसे, कांग्रेस है लोग दल, ये दो पार्टियां चल रहा है बराबर। और तो अब देखो आगे कौन है इन दोनों में से? आगे तबके बराबर से चल रहा है, नहीं बता रहे क्या ज्यादा कौन सी जीतेगी है। हाँ भी वो वोटिंग फालतू है। आप चाहते हैं कि आदित्य विधायक बने या कांग्रेस का विधायक? चाहते हैं हम तो। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बदराम है जी। मुझे ये बताइए कि ये जो 10 साल रही बीजेपी की सरकार, कैसा काम किया इसने? जो सब चाहे होंदा बेचारे होंदा है वो सब करी जाते हैं, ठीक काम हुए तो ये करने वाले करने कर दी है ना अभी तक ही कर, वो ठीक है। ये जो किसानों को खास करके इन्होंने कहा कि हम कई फसलों पे MSP दे रहे हैं, काफ़ी 24 फसलें ये बताते हैं, मुआवजा भी ठीक दिया है किसानों को, ऐसा मुआवजा वगैरह सब आ रहा है? दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। तो अब चुनाव आ गया तो अब क्या लग रहा है इसकी, अब की बार फिर? अब जो इनका कांग्रेस का तो इनका देवीलाल कांगा ही है रोड में, देवीलाल यानी आदित्य देवीलाल और कांग्रेस। हाँ जी, अन्य के दोनों की टक्कर, इन दोनों की टक्कर। हाँ, इनमें आगे कौन चल रहा है? आगे देखो जिटाला साहब देखता है, चौटाला साहब देखता है, आदित्य चौटाला। हाँ, आप चाहते हैं कि आदित्य बने या अमित शाह बने? देखो ये बनने का तो क्या पता लगता है, आप अपनी बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कि इन दोनों में से आदित्य बने या अमित शाह बने या कोई और बने? अब दुनियादारी क्या जी, देख के कह सकते हैं, वोटों के साथ है, बनेगा जरा कोई बनेगा अपने को, यही तो पता लगता है वो बनेगा, एक कांग्रेस बनेगी कि वो बनेगा, दो जीते जाएगा एक बनेगा, अब क्या पता तो नहीं लगता, ये पता लगता। हवा किसकी चल रही है? हवा तो एक ही है जी, दोनों की एक ही चल। हाँ जी, हाँ जी बोलो। यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? इस बार जी हमारे जीतू। हाँ जी जीतू आदित्य। हाँ ठीक है। क्या नाम है जी आपका? सुरजीत है। आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने 10 सालों में काम वाम किए कुछ? भाई जिम्मेदार तो करे, गरीबा में तो की करी को नहीं, समझे हो? अब गरीब जनता को वो आज तो आप रोजगार है वो ही बंद है, मनरेगा वाला नहीं चल रहा है, नरेगा कौन चल रहा है? गरीब जनता तो करे को नहीं, किंग बनाई को नहीं, कोई मकान तो रह गया दूर, समझे हो? अब चौटाला को आवा को नहीं, ये एरिया में चौटाले काम करे। तो अब चुनाव ऐसा वक्त होता है
आपको पता है कि अगर कोई काम नहीं करता तो लोग बदल देते हैं उसको, है ना। तो अब की बार क्या लग रहा है फिर? आप कड़ा वो आशी बिल्लू, बिल्लू हाँ, बिल्लू से उम्मीद है आप लोगों को? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, मतलब क्या कारण? अठे मान लो वो हल्को ही नहीं, बिल्लू को ही है, बिल्लू ही काम करेगा। सर से जिले में देखो वो भूसी नहीं, वो बिल्लू ही होगा। हाँ, और ये डबाली में इस बार क्या लग रहा है? एक तरफ आदित्य, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ दिग्विजय चौटाला भी है, इनमें क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? वो इन कड़ो ही जीते को। हाँ आपने, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हरपाल आई जी। ये बताइए कि ये 10 साल बीजेपी के रहे, इसमें कितना काम हुआ? मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। ना किसी को चौधर है, ना किसी को डर है। आपके काम जा रहे हैं, काम करके आपके घर आ रहे हैं, किसी का डर नहीं है, साफ सरकार है, ठीक है। पर अब ऐसे नहीं कह सकता हूँ किसको वोट ज़्यादा पड़ेंगे। अब क्योंकि चुनाव ऐसा वक्त होता है कि जैसे आपने कहा कि सरकार आपके लिए सही है, मेरे लिए सही है, तो फिर हरियाणा में फिर बीजेपी आनी चाहिए? आनी चाहिए जी, जी मेरे सोच है वैसी तो सोचेंगे तो। नहीं भाई, आपको आपकी सोच है? डबाली में फिर इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं तो अभी आज ही आके बैठा हूँ यहाँ। मेरी दोस्त का ब्याह था, मेरे को पता नहीं है क्या। एक तरफ तो आदित्य चौटाला है, एक तरफ दिग्विजय चौटाला जेजेपी से, एक तरफ अमित सिहाग है, और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से बलदेव मांगियाना है, तो इनमें क्या लग रहा है आपको कौन अच्छा है? मैं तो एक ही बात कह दी ना, मेरे को पता ही नहीं है जगह। अच्छा, आज ही बैठा हूँ। हाँ ठीक है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ पिछली सरकार अच्छी है। अच्छा हाँ, पिछली सरकार अच्छी है, अभी तो चल रही है सरकार। हाँ अच्छी है मेरे लिए तो। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो ये बस सही, अभी तो टक्कर है, आगे देखो। बाकी आदित्य का जोर है जी इस बार तो, आदित्य का जोर। हाँ जी, क्या वजह है इसके पीछे? वजह ये सरकार तो गरीबों के लिए, तो कोई भी आ जाए सभी अच्छी होती हैं, कोई माड़ी नहीं होती, कोई बन जाए वो गरीबों का तो कुछ ना कुछ तो फायदा करते ही हैं। पर इस बार तो आदित्य की जीत लग रही है 100%। आदित्य की? हाँ जी। आदित्य बीजेपी में थे, अब इनेलो में आ गए, इससे फर्क पड़ेगा लोगों में कि बीजेपी वाले वोट डालेंगे आदित्य को? हाँ जी डालेंगे, जो आदित्य के साथ हैं वो तो डालेंगे जी वोट। आप बाकी बोल चाल के अच्छे हैं, आदित्य भाई साहब बहुत अच्छे बोलते हैं, गरीबों के साथ भी कोई भी हो उनके साथ बोल चाल बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। इसलिए उसकी जीत है ये, अब की बार तो दिख रही है जीत। और ये कांग्रेस और बाकी सब? बाकी टक्कर तो दोनों की है जी, देखो अब किस किस की टक्कर? कांग्रेस की और आदित्य की, दोनों की। जीतेगा कौन वो तो ये मौके पता लगेगा जी। अच्छा, मौके का पता लगेगा। मौका बता दियो। क्या नाम है जी आपका? गुरमेल सिंह सर। ये बताइए, अब तो चुनाव आ गए हैं। हाँ जी सर। काम ठीक किए बीजेपी ने? बीजेपी ने काम गलत भी किए हैं, सही भी किए हैं। ये जिस लोगों ने आपका बयान दिया उन्होंने, मैं तो कहूँगा सही कहे हैं, पर उन्होंने गलत बयान दिए हैं। बीजेपी को देखो, मेरी बात सुनो, भी हमारे को 5 किलो गेहूँ देते, वही जिमींदारों को देती है जिसके 5 एकड़ भूमि है या 10 एकड़ या 50 एकड़ भूमि है, उनको बराबर कर दिया, उनको सब्सिडी देती है या मुआवजा देती है। गरीबों को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया हमारे को। बिल्कुल गरीब हूँ सर मैं, बिल्कुल गरीब हूँ। महंगाई आपको तंग करती है? बिल्कुल करती है हमारे को बीजेपी, इसलिए तो हम बीजेपी से बाहर हो गए हैं। नहीं, बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, ठीक है सर। तो ये इन बीजेपी वालों ने ये देख लिया कि हम ये इनको जिमींदार को अड़ंगा दे दिया, और गरीबों को, गरीब तो अपने आप आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे ये बात बताओ हमारे को सर। भी हमारे को दिया क्या उन्होंने? ये 5 किलो गेहूँ हमारे को दिया है, तो उन जिमींदारों को भी दिया है, यानी सबको दे रही है वो, है ना? सारे को दे रही है, है? तो अब चुनाव आ गया, अब की बार क्या लग रहा है फिर? चुनाव हम बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव में फिर किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे या कांग्रेस के साथ या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएंगे। यहाँ डबाली में फिर
इंडियन यहाँ डबल गया यही है हमारा जो दिमाग है, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे यहाँ इनके इंडियन नेशनल। कांग्रेस का भी उम्मीदवार है अमित सियाग और इनेलो का आदित्य चौटाला, तो इन दोनों में क्या लग रहा है कौन आ गया? मैं एक बात कह रहा हूँ सर भी, जो ये अमित सियाग है इनका मैंने प्रोग्राम मेरे घर में किया है, पर ये एक औरत के समान है, वो ये उतना वो कड़क आदमी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा भी आदित्य के साथ जाओ। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र है। आप तो युवा है, युवा क्या सोच रहा है फिर इस बार? युवा जी जो बुजुर्ग कह रहे हैं वही कर लेंगे। आप अपना भी बताइए ना युवा। हमारे तो ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, जो ये कहेंगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप अपने अपने हिसाब से बताइए। आप देख रहे हैं अभी क्या सिस्टम हो रहा है यहाँ पे है, ये तो आप समझते ही हो। ये जो ये केजरीवाल के ये जो लगी हुई है झंडी, ये भी आते हैं क्या लोग? हाँ आते हैं। इनका भी चल रहा है कुछ हवा से? सब कुछ चलता है भी, ये बड़े बैठे हैं हमारे पास, तो ये इनके पास है जो सिस्टम है, जो कहेंगे। अच्छा, आपको बढ़िया नेता कौन लगता है यहाँ डबाड़ी की अगर बात करें? आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अमित सिहाग, कुलदीप गदराणा, बलदेव सिंह मांगणा, कौन है बड़ा? तो मैं आपको बता दूं, मेरा हूँ तेन दसा के मेरा नानक है चौटाले, ठीक है भी, ये भी मेरे को भी इन्होंने हमें को तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं दी, ठीक है बेचारे ने बहुत बढ़िया भी ये सिस्टम है जो भी है भी, हम तो ये चाहते हैं भी हमारा काम चले, नरेगा का काम चले भी, जो भी है सिस्टम हम ये चाहते हैं। तो ये कौन करेगा इनमें से, कोई लगता है आपको इनमें से? अब देख लो हवा किसकी है, मतलब कुछ तो हवा तो देते की लग रही है, देखो हाँ उनसे भी बात करेंगे, पहले इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? इनसे बात करो पहले। नहीं, आप बताओ मुझे क्या नाम है? सुखदेव सिंह जी। जी ये बताइए चुनाव आ गया, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव तो नेलो जीतेगी भाई साहब। क्यों क्यों क्या क्या बात? नहीं कोई तो वजह होती है ना, जैसे पार्टी काम पार्टी अच्छा करती है, लोगों की सुनती है, कई तरह की वजह होती है ना, क्या वजह है? नहीं नेलो जीतेगी, यहाँ से आदित्य और अमित शाह, दिग्विजय चौटाला, कुलदीप गदराणा, आदित्य जीतेगा जी। आदित्य? हाँ जी। क्या कारण है? कारण क्या है? काम बहुत करे उसने, काम किया है इस वजह से। हाँ जी आदित्य आपको। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? जी ये बताइए, आपने कई सरकारें देखी होगी, ताऊ देवीलाल की भी सरकार देखी, और अब नायब सिंह सैनी, बढ़िया कौन सी थी? बढ़िया नायब सिंह सैनी है, जो बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया जी, इसने दो ईंट नहीं लगाई हरियाणा में, कोई कॉलेज में कोई स्कूल सड़क कहीं नहीं बनाई है, जो देवलाल ने बुढ़ा फिर बांधी 100 रुपये से हैं, आज वो 3000 ले रही है, थोड़ी देर में बुढ़ा आश्रम बनाया, गरीबों को मकान दिया, प्लाट दिया, एन बारे पुल बनाया, कांग्रेस की कोई दो चार ईंट रखी है वो हमारे को बताओ। ये जो डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, ये वैसे चौटाला का गढ़ हो गया है ना, तो यहाँ मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने काम नहीं किए हैं? क्या बीजेपी बीजेपी कांग्रेस क्या काम करे? वो तो आपके सामने है, मैं एक लोकल आदमी अनपढ़ आदमी हूँ, बताओ कोई इनका कोई 5 ईंट पुल बनाए, ये चौटाले का बनाया है सुन के, ये चौटाले के ग्वाड़ में चौटाले का बुढ़ा आश्रम है, जो बुढ़ा पिल्सन है, जो ट्रैक्टर ऊँट गड्ढा बनाया, जो पुलिस पकड़ लेती थी मैं 4 आदमी चढ़ गए, जो इन बात हम जहाँ से नाली बगती थी, तो देवलाल ने खानदान ने काम करे, इन्होंने काम करे, जेल में रोड दो, ये छोरा आगे बद रहे बीजेपी जेल में रोड, इनको पकड़ो गरीबन के, हाँ गरीबन के करे 10 साल हो गया गरीब भोंगता फिर रोटी रोटी कर, इनका करेगा कौन? अब तो चुनाव आ गया, आगे सरकार तो ही करेगा, कैसे आएगी? पिछली बार तो एक ही सीट आई, अब की बार लग रही है उम्मीद कोई? उम्मीद है, होता है। यहाँ डबाली में क्या लग रहा है फिर? एक तरफ आदित्य चौटाला इनेलो से है, एक तरफ दिग्विजय चौटाला जेजेपी से, अमित सियाग जेजेपी चौटाला तो है ना, वो तो गल सुनो, वो तो जो केवी सिंह मुकाबला है जीतेगा। कौन जीतेगा? आपने क्या नाम है? आदित्य। तो कह रहे थे दिग्विजय जीतेगा। अरे अड्डा वो तो घास सुने, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात।
आदित्य चौटाला जीतेगा यहाँ से। अच्छा आदित्य चौटाला, आदित्य चौटाला जीते। आपको सर मैं ऐसे कर रहा था अभी कांटे की टक्कर है, पसीना आ जाएगा दोनों पार्टी में। कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। मैं तो कर दी बात जी, कर दी। चलिए तो ये तमाम जो लोग थे इन्होंने अपनी अपनी राय रखी और बताया है कि इस बार डबवाली की जनता किसके साथ जाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। नमस्कार।